आज मैं आपको आलू प्याज की सूखी सब्जी बनाना सिखाऊंगी और जिसमें अचार का भी टेस्ट आएगा। चलो इसकी हम तैयारी करते हैं। छोटे प्याज लिए हैं और छोटे ही आलू लिए हैं, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। और जो बड़े प्याज है उसके हम अंदर दो कट लगा लेंगे, जो छोटा ज़्यादा छोटा प्याज है उसके अंदर हम एक कट लगाएंगे। कढ़ाई में तेल डाल लिया है, अब तेल हमारा गरम हो गया है। इसके अंदर हम सबसे पहले प्याज फ्राई करेंगे, गैस मीडियम कर लेंगे। गैस हमने स्लो पर रखी हुई है। जब ये ब्राउन हो जाएंगे उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। हमारे जो प्याज है वो ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये हमारे इतने ही ब्राउन करने हैं, ज़्यादा जलाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे प्याज जो है वो रेडी हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं आलू डालूंगी। आलू भी मैंने बॉईल किए हुए हैं, इसको थोड़ा ब्राउन करूंगी। आलू पके हुए हैं वैसे क्योंकि उबाल लिए थे, अब इसको भी मैं ब्राउन करूंगी। अब हमारे आलू भी रेडी हो गए हैं, अब इसको भी हम इसमें से निकाल लेंगे। मैंने गैस बंद कर दी है। ये हमारे आलू भी फ्राई हो गए हैं। अब हम मसाला रेडी करते हैं, क्योंकि हमने सूखी सब्जी बनानी है। इसके लिए मैंने थोड़ा सा मेथी दाना डाला है, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, साबुत काली मिर्च डाली है, 3-4-5 लौंग डाल दिए, आधा चम्मच अजवाइन का, 1 चम्मच मैंने सौंफ डाला है, 2 मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और 2 मैंने लाल मिर्च डाली है, आधा चम्मच मैंने नमक डाला है, आधा चम्मच मैंने हल्दी डाली है। अब इस सबको मैंने पीस लेती हूँ। मसाला मैंने मिक्सी के अंदर पीस लिया है। अब इसके अंदर मैंने 1 बड़ा चम्मच दही का डालूंगी और मसाले के अंदर मिक्स कर लूंगी। मसाला जो दही के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो गया है। आधा चम्मच जीरा डालूंगी, आधा चम्मच मैंने राई डाल दी, इसको अच्छी तरह मिक्स हो जाए। हमारा राई और जीरा हो गया है। अब जो हमने मसाला रेडी किया था अब इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि आंच हमने तेज रखी है, क्योंकि इसके अंदर दही डाला हुआ है। अच्छी तरह इसको मसाले को पकाएंगे और इसके अंदर मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन पेस्ट भी डाल दूंगी। इसको भी मैं मिक्स कर लेते हैं। आंच अब मैं स्लो करने लगी। मसाला अच्छी तरह हो गया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी। लास्ट में इसके अंदर मैं थोड़ा सा आमचूर भी डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें के अंदर थोड़ा सा खटास आए, क्योंकि मैंने इसके अंदर टमाटर नहीं डाले। अब मैं इसके अंदर, सबसे पहले मैंने इसके अंदर प्याज डाल रही हूँ जो ब्राउन करके रखे हुए थे। अब इसके अंदर मैं आलू भी डाल दूंगी। इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। अभी 5 मिनट हो गए हैं। ये हमारी आलू प्याज की सूखी सब्जी रेडी हो गई है। ये इसमें थोड़ा अचार का भी टेस्ट आएगा, क्योंकि सभी मसाले मैंने अचार के ही डाले हैं। ये हमारी सब्जी जो आलू प्याज की सब्जी है वो रेडी हो गई है। हम इसको परांठे के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और रोटी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डालेंगे। ये हमारी सूखी आलू प्याज की सब्जी रेडी हो गई है। इसको ट्राई करके देखो।